बिजनौर खबर टीवी में आपके स्वागत है। बिजनौर पुलिस ने दुपट्टे पर लटक रही एक महिला को जिंदा बचा लिया। कॉल आने पर पुलिस वाले 10 मिनट में मौके पर पहुंचे, देखा कि महिला दुपट्टे के फंदे पर झूल रही थी। तुरंत दुपट्टे को काटकर उसे नीचे उतारा, इसके बाद अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि 20 सेकंड की देरी होती तो महिला की जान चली जाती। बिजनौर में 3 पुलिस वाले बने फरिश्ते, उनकी इस कार्य की हो रही यूपी में चर्चा। ऐसे पुलिस वालों के लिए एक कमेंट्स में लाइक तो बनता है। दो दिन पहले अभी कंट्रोल रूम को यह सूचना मिली कि मोहल्ला प्रगति विहार कोतवाली नगर क्षेत्र में एक 32 वर्षीय महिला फांसी के फंदे पर झूल गई है। इस सूचना पर तत्काल हमारे सिविल लाइंस चौकी प्रभारी गौरव चौधरी और इनके साथ पूरी टीम पहुंची। महिला को तत्काल उन्होंने फंदे से उतारा, उसको मेडिकल एड के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां महिला की जान बच गई। यह तथ्य संज्ञान में आया कि पति पत्नी के बीच में अक्सर विवाद होता रहता था। उस दिन भी दोनों लोगों में आपस में विवाद हुआ और महिला फांसी के फंदे पर झूल गई। पुलिस की सक्रियता से उस महिला की जान बची, जिसका कि अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। ये जो आज महिला को बचाया है आपने, उसकी चर्चा काफी वीडियो वायरल होने के बाद हुई है, क्या है पूरा मामला वो बताइए आप। पूरा मामला प्रगति विहार कॉलोनी का है, जी नंबर 2 जी। वहाँ से हमें झगड़े की सूचना मिली जी। मैं ऋषभ गौरव चौधरी, हम अपनी टीम में थे, अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंचा जी। वहाँ काफी गहरी घटना हो रखी थी और वहाँ मालूम हुआ कि आप पौधी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे महिला ने पांच लगा रखी है। हम तुरंत मौके पर पहुंचे, ऊपर जाकर देखा तो पंखे से झूल रही थी महिला। हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस महिला को नीचे उतारा और तुरंत अपने निजी वाहन से मैं बिना हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जिसका 2 दिन वहाँ पर इलाज चला और अपने अपने इलाज के दौरान ठीक है और अब आईसीयू से बाहर और अपने घर पे अपने माता पिता के साथ। आपने एक जिंदगी बचा ली, कैसा लगता है आपको और आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना काम ईमानदारी से करें और जब भी मौका मिले मदद करें, यही कहना है। और काफ़ी अच्छा लगता है, ये लगा कि कल महसूस हुआ, मतलब 27 तारीख में महसूस हुआ कि हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी बची है। अच्छा, क्या हुआ आपके बहन? वो हुआ कि उन्होंने पहले हमारे घर परेशान करते, पैसे मेरे भेज रहे थे जो तेरे नाम पैसे हैं और पैसे लेकर आ, पहले उसके खाते में 10,000 रुपये पड़े थे, बेबी उन्होंने निकलवा लिए थे। और फिर ऐसी परेशान करते थे कि अनि वो उससे बात करती हो, वो करती हो, हमारी बहन पर लांछन लगाते थे और परेशान करते, बात नहीं कराते थे, बस फोन करते थे ना, तो ये तो उठाते नहीं थे, ब्लैकलिस्ट में नंबर दिए गए थे और काफ़ी टाइम से। फिर वो ऐसे कर जाते थे, उन्होंने कहा एक दिन लड़के ने फ़ोन करा मंगलवार के दिन, जिस बिचोले ने हमारी बहन की शादी कराई थी, वो निक्की यहाँ से गए, वो 11 बजे से लापता था, तो बिचोले ने हमारे पापा को फ़ोन करा। हमारे पापा गए तो हमारे पापा इतने तो नहीं जा सकते, तो हमारे पापा वहाँ गए, तो हमारे पापा गए सीधे कमरे पर, वहाँ जा कर देखा तो हमारी बहन सही है वहाँ, तो पापा ने 2-4 और थे, तो हमारे पापा ने पूछा बहन से कि बहन की बेटा तुझे कुछ ऐसी बात है, तो हमारी बहन को इन्होंने डरा रखा था। उसने कहा कि पापा ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कि ऐसी तो हमारे घर में कोई बात ही नहीं हुई जैसे कि उन्होंने कहा है। तो पापा वहाँ से आ गए, हमारे ताऊ हर बाद में आए थे, तो उन्होंने कॉस्मेटिक की दुकान कर रखी है, तो हमारे ताऊ जी हर वहाँ से गए, तो हमारे ताऊ ने पूछा उसकी सास से कि हमारी लड़की कहाँ है, तो उसकी सास ने कहा कि मुझे नहीं पता तुम्हारी लड़की कहाँ गई, किसके साथ भाग गई, उसकी सास ने यूँ कहा। तो उन्होंने हमारे ताऊ ने कहा कि जब हमारी लड़की तुम्हें ढूंढ के लाकर दोगे। अब फिर वो लड़का आ गया, लड़का उतर के साथ कहता क्या, जब वहाँ से चलने लगे कि पापा ने कहा कि हमारी लड़की सही है, तो वहाँ से जब चलने लगे तो लड़के ना लड़के की माँ ने हमारी बहन की सास ना चाबी निकाल ली बाइक की, कि वो बाइक ही रहेगी, वो लड़का बाइक नहीं ले जाने दे रहा था, अब काफ़ी कह रहे हैं तुम नहीं ले जाने दे रहा, अब वो हमारे ताऊ जी